लड़की धोखा दे रही है, कैसे पता करें? जब कोई भी लड़की आपको धोखा देना स्टार्ट करती है तो आप कैसे पता करें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चार सबसे पावरफुल टिप्स। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लड़की धोखा दे रही है, कैसे पता करें। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि लड़की हमें धोखा दे रही है, हम कैसे पता करें। लीजिए आपके डिमांडेड टॉपिक पे पावरफुल वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कमाल की वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी लड़की आपको धोखा देना स्टार्ट करती है तो आप कैसे पता करें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चार सबसे पावरफुल टिप्स, और ये टिप्स नहीं है, है ना, ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है ना, जो हकीकत में लोगों के साथ हो रहा है, रियलिटी, रियल लाइफ में, वो ये चारों टिप्स हम आपको आज दे रहे हैं। नंबर वन, वो लड़की आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगी। जब कोई भी लड़की आपको धोखा देती है ना, धोखा देने से पहले वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट करती है। आपको इग्नोर करने लगी, आपको वैल्यू नहीं देगी, आपके कॉल मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, आप कुछ भी उससे पूछो, कुछ भी बात करना चाहो, अवॉइड कर देगी। बोलेगी हेलो, हाँ अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अभी नहीं बात कर पाएंगे, बाद में बात करते हैं, कुछ काम है। बाद बोल के वो आपको घंटों तक कॉल नहीं करेगी, मैसेज नहीं, इनफैक्ट कई दिन हो जाएगा जब तक आप इधर से ना करो। वो लड़की अगर कोई टाइम देती है कि हाँ हम आपको शाम में बात करेंगे, सुबह में बात करेंगे, 8 बजे 10 बजे फ्री हैं, उस टाइम में भी उसका कॉल मैसेज नहीं आएगा, साफ वो लड़की आपको इग्नोर कर देगी। दूसरा पॉइंट, वो लड़की अब बहुत बिजी रहेगी, उसका नंबर, उसका कॉल, उसका मैसेज सब बिजी बताएगा यार। मतलब वो जो लड़की है ना, वो एनी टाइम बिजी है भाई, हमेशा वो लड़की बिजी रह रही है, हमेशा उसका फ़ोन बिजी बता रहा है, हमेशा ऑनलाइन रह रही है, देर रात तक वो ऑनलाइन रह रही है, देर रात तक वो 12 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक ऑनलाइन रह रही है। पूछने के बाद आपको वो लड़की कभी भी सेटिस्फाई जवाब नहीं देगी, उल्टी लड़ने लगेगी, झगड़ने लगेगी, आपसे फाइट करने लगेगी, बात समझ रहे हो ना, वो बहुत अपने लाइफ में बिजी हो जाएगी। वो बार बार आपको एक्सक्यूज़ देगी, जब भी आप पूछो क्या कर रहे हो, क्या कर रही थी, कहाँ थी, बोल देगी हम तो बिजी हैं अपने लाइफ में, हम तो कुछ काम कर रहे थे। अचानक वो लड़की ना बहुत शेड्यूल आपको शो करेगी, ऐसा टाइम टेबल दिखाएगी जिसमें वो बहुत बिजी है, वो साफ आपको ये जाहिर करेगी कि भाई हम बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, स्टडी होता है, घर का काम होता है, फैमिली मेम्बर है, हमें टाइम नहीं मिलता, मेरा खुद का पढ़ाई लिखाई है, करियर है, दुनिया भर का बहाना, ये सब कुछ बिजी कुछ नहीं है, ये बहाना सिर्फ इसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये लड़की वही है ना जो आज से कुछ महीना पहले आपको घंटों टाइम देती थी, घंटों कॉल करती थी, मैसेज करती थी, क्या उस समय इसका नींद में रहती थी, जो इसका सपना, इसका ड्रीम नहीं था कुछ, है ना, इसको कोई काम नहीं होता था, फ्री रहती थी, आज अचानक काम बढ़ गया इसका, और इतना काम बढ़ गया भाई कि इसको 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम नहीं है दिन भर में, ये तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा नौटंकी है, फेक एक्टिंग है, फ्लॉप एक्टिंग, जिसको आपको पकड़ना सीखना होगा। क्योंकि कोई भी लड़की अगर किसी लड़का को लेकर सीरियस है, अपने पार्टनर को लेकर सीरियस है, वो कितना भी लड़की बिजी रहेगी उसमें से भी वो टाइम निकाल लेगी। और वैसे में भी आप कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो जो आपका एक एक मिनट का कीमत है, वैसे भी आप कहाँ टाइम अपना दे रहे हो हमें सब पता है ना। थर्ड पॉइंट, वो लड़की आपसे बेवजह का लड़ना झगड़ना स्टार्ट करेगी, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, कोई रीज़न नहीं है यार, कुछ आपने किया नहीं है, कुछ गलती नहीं की है, मिस्टेक नहीं किया है, आप अपने जगह पे सही हो, वो ना बहाना खोजेगी। ध्यान से समझना, बहुत कमाल की बात बता रहे हैं, जब लड़की किसी को छोड़ने वाली होती है ना, जब चीट करने वाली होती है, वो लड़की ना आपके अंदर ना कुछ मिस्टेक को ढूंढती है, वो ना आपके अंदर कोई ऐसी गलती ढूंढती है जहाँ पे आपकी मिस्टेक साफ झलक रही हो, क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है हमसे, जिस दिन आपसे कोई गलती हुई उसको पहाड़ बना देगी वो, उसको खींच के पकड़ के रखेगी हमेशा, और हमेशा उसी पे आर्गूमेंट, उसी पे बहस, उसी पे लड़ाई, उसी पे झगड़ा, टॉक्सिक रिलेशनशिप को कर देगी, और बार बार लड़ेगी, बार बार झगड़ेगी, बार 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 बार, और आपको छोड़ देगी, क्योंकि वो धोखा देना चाह रही है, आपको छोड़ना चाह रही है। लड़कियों के यार साइकोलॉजी है, अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ चाहिए तो आप किसी एक लड़की से पूछना जो आपकी अच्छी फ्रेंड हो, दोस्त हो, कि अगर कोई लड़का को उसको छोड़ना हो तो क्या बहाना करेगी, वो लड़का अच्छा है, लॉयल है, लेकिन उसको छोड़ना है किसी भी रीज़न से, वो लड़की यही बोलेगी कि हम ना उस लड़का का मिस्टेक देखेंगे, कि वो कब गलती करता है,
क्योंकि हम अपने वजह से उसको अगर छोड़ेंगे तो भाई हम उसके नज़र में तो विलेन हो जाएंगे, हम तो उसके नज़र में बैड गर्ल हो जाएंगे, चीटर हो जाएंगे, और कोई लड़की से चाहेगी नहीं। हर लड़की को अपना इमेज, अपना कैरेक्टर क्लीन चाहिए, उसको इमेज अपना क्लीन चाहिए। वो बुरी नहीं बन सकती है, इसलिए वो आपको विलेन बनाएगी। आपकी जिस दिन गलती हुई उस दिन वो आपको छोड़ देगी, आपकी हर एक गलती को वो नोटिस करेगी, छोटी से छोटी गलती को बड़ा कर देगी। आप सोचोगे यार इतनी छोटी सी तो बात थी, इतना बड़ा भी बात नहीं था, और रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत गलतियाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होती रहती है, इतना बड़ा ये इंसान कर दिया। ज़िंदगी भर आपको ये लगेगा कि नहीं आपकी गलती है, ज़िंदगी भर आप कसम में रहो, कन्फ्यूज़न में रहोगे कि भैया आपने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। आपको ज़िंदगी भर लगेगा कि भैया आपने उसका तो मतलब गला दबा रहे थे उसका, है ना, उसके साथ इतना बुरा कर दिया जितना आज तक कोई दुनिया में नहीं किया होगा। बट ये सब चीज़ झूठ है, ऐसा कुछ मत सोचना, वो सब उसका ड्रामा था और नौटंकी, है ना। अब है चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो लड़की झूठ बोलना स्टार्ट करेगी, बात छुपाने लगेगी, झूठी कसम खाने लगेगी। जब ये सब चीज़ लड़कियाँ करने लगे ना, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे बात छुपाना, बात बात पे झूठी कसम खाना, अपने माँ बाप फैमिली भाई बहन यहाँ तक आपका सब चीज़ का, यार उससे वाहियात लड़की हम नहीं देखे हैं, एकदम हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जो लड़की अपनी माँ की झूठी कसम खाती है, अपने बाप की झूठी कसम खाती है, जो लड़की साली अपनी माँ बाप की नहीं हो किसी और की क्या होगी यार, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम ऐसी घटिया और गिरी हुई लड़की से। अरे हम तो मान लो बहुत बाद में आते हैं ना, हमको तीसरे चौथे नंबर पे रखो, आई एक्सेप्ट इट, अपने माँ बाप को तो सबसे एक नंबर पे रखो, और एक नंबर पे रख के तुम उसकी झूठी कसमें खा रही हो, अपनी माँ की अपनी बाप की, जिसके वजह से तुम दुनिया में हो ना, ये जो ब्यूटी क्वीन बन के घूम रही हो, है ना, जो लोगों को खिला रही हो, गेम खेल रही हो, ये सिर्फ उन्हीं के बदौलत तो है। और आप जब उनके नहीं हुए, उनकी झूठी कसमें खा जा रहे हैं। आई नो कि कोई इंसान किसी का कसम खा जाता है उससे वो इंसान मरता नहीं है, बट यार तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, है ना, कि तुम मतलब अपनी माँ बाप को भी जिंदा मार दे रहे हो खुद को सही साबित करने के लिए। तो यार तुमसे घटिया और गिरी इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। झूठ बोलती हो, बात छुपाती हो, झूठी कसम खाती हो, अगर ये चीज़ वो लड़की कर रही है, समझ जाओ कि वो लड़की चीट कर रही है। ये चार चीज़ कोई भी लड़की तब करती है जब वो बहुत भयंकर वाला चीट करने वाली होती है। भयंकर मतलब आपको छोड़ के जाने वाली है, वो अपने लिए ना एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लिए मार्केट में, है ना, वो कुछ महीनों से यही कर रही थी, सर्चिंग अभियान उसका चालू था, सर्च कर रही थी, वो ना देख रही थी, और इतने दिन में वो ना देख ली, उसको कोई मिल गया है, है ना, उसी के साथ खेले कूदेगी। तो सिंपल ये चार साइन था जो आप अपने पार्टनर में, लड़की में अगर वो धोखा दे रही है तो वो आपके साथ ये ज़रूर करेगी। अब आपको करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, सिंपली उस लड़की को छोड़ दो। अगर ऐसी लड़की से आप फिर सोच रहे हो कि फिर इससे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो फिर आपसे फालतू घटिया इंसान तो मैंने कोई नहीं देखा, आप लड़का हो यार क्या हो, आप तो मेन का आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, फिर थोड़ा बुरा लग रहा होगा लेकिन सच है। अरे भाई जो लड़की अपनी माँ की अपने बाप की झूठी कसम खा गई यार, तुम्हें लगता है कि वो लड़की यार तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी, तुम्हें लगता है यार कि वो लड़की आपके साथ मतलब ऑनेस्ट रहेगी, है ना, आपके लिए कि सीरियस रहेगी? नहीं, बहुत लोगों को लगता है, कुछ कुछ लड़के इतने मतलब बेहुदा हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, उनको लगता है कि कोई लड़की अगर अपने माँ बाप से भी आगे अगर उनको रख रही है तो बहुत प्यार करती है। नहीं यार, मैं कभी किसी भी लड़की को ये नहीं बोलता, और ना मैं वैसी लड़की को पसंद करता हूँ जो लड़की अपने माँ बाप से आगे किसी इंसान, किसी लड़का को रखती है। माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है, होना चाहिए, दूसरे तीसरे नंबर पर रखो, चौथे नंबर पर रखो, बट यार आप उस इंसान को तीसरे नंबर पर रख लो ना, क्या दिक्कत है, आप उस इंसान को पहले नंबर पर रख रहे हो, माँ बाप को हटा दे रहे हो। जो इंसान अपने माँ बाप की सगी नहीं, वो किसी की सगी नहीं, बस एक लाइन में हम जानते हैं, है ना। और आपको यकीन ना हो तो थोड़ा दिन उनके साथ रख के देख लो, आपका लाइफ का धजिया उड़ा देगी, फिर मेरी वीडियोज़ को देखते चलना, यूट्यूब पर पड़ी है, आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। इसलिए दोस्त ऐसी लड़की को छोड़ दो। अगर वो लड़की के अंदर ये चार साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है, मोस्ट डेंजर साइन है, बहुत भयानक तरीका से वो लड़की आपको चीट करने वाली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त या फ्रेंड उनको वीडियो दिखाइए, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो यार, है ना, क्या कर रहे हो, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो,
व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ ताकि लोगों का देख के दिमाग खुले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने लड़के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करो। हर एक लड़का को दिखाओ, अपने दोस्त को दिखाओ, फ्रेंड्स को दिखाओ, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो ना, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, सब जगह शेयर करो, पहुँचाओ उन तक। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पर कुछ और भी पावरफुल वीडियोज़ है, उसको आप देखो एक बार, कमाल की वीडियोज़। आपका जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि कोई भी लड़की ना रिलेशनशिप में होने के बाद कैसे चीट करती है। उसके लिए मैंने पावरफुल वीडियोस बनाए, जाके देखो मेरे चैनल पे, आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, टेक केयर।